संदीप मलिक जी जो कथक यहाँ प्रस्तुत करेंगे, आप कलकत्ता से पधारे हैं तो आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उसके साथ में पंडित केशव तलेगांवकर जो हारमोनियम पर, भाई रविंद्र तलेगांवकर उनके साथ में, और डॉक्टर श्रीमती मंगला भक्कर जो हमारे चितार करेंगे, और कोशिशों में हमारे मध्य संदीप मलिक अपनी प्रस्तुति देने उपस्थित हो रहे हैं। Yeah.
चाहते हैं अच्छे के लिए जाते हैं, क्योंकि इस बार 50वां साल और मेरे ये सौभाग्य हुआ कि विष्णु दिगंबर जी के नाम पे उनके शरण में जो कार्यक्रम हो रहा है 50 सालों से, उस ऐतिहासिक मोड़ पे मेरा जो मैंने जो सीखा है अपने गुरु के पास उसको निवेदन करने का। और मेरे विचारों में मंच तो हम सबके लिए मंदिर जैसा है, और वहाँ हम जो भी डाला सजा के निवेदन करते हैं तो वही हमारा भक्ति, हमारा प्यार। और आप सब जैसे कि दर्शक भगवान जैसे होते हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए और हम सब में जो ईश्वर है उन्हीं के चरण में अपना प्रस्तुति। और चाचा जी से आज ही ये गाना सुने हैं पलुस्कर जी के, उनके विदाई के ये बहुत मशहूर गाना था, तो उस बंदिश पर मैंने कोशिश की। और सामने दीदी चाचा जी और बाकी जितने भी गुरुजन गुणीजन बैठे हैं सबको प्रणाम आशीर्वाद देते हुए मेरे दोस्त यहाँ के बहुत परिचित नाम है तबले पर उठान, और साथ में दूसरे चाचा जी बुआ जी सब है यहाँ आकर सबसे मिले है। बस आपका आशीर्वाद अनुमति। मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों से आज्ञा चाहता हूँ, रात बहुत हो गया है, एक छोटी सी उठान मैं पेश करूंगा। और एक विनम्र निवेदन है कि मोबाइल फोन अगर साइलेंट मोड में रखेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन में थोड़ा सुविधा होगा, क्योंकि संदीप मेरे बचपन के दोस्त है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम दोनों का अंडरस्टैंडिंग बस स्टेज पे ही होता है। जो गुरुओं से हम लोग सीखते हैं, हम लोग रिहर्सल की मतलब
उतना हम लोगों का रिहर्सल होता नहीं है और गुणीजनों के सामने गुरु जैसे महान कलाकार आचार्य पंडित अनुपम राय जी बैठे हुए हैं, विदुषी शोभा कोसर जी, पंडित सूर्य हरिदास जी, सबसे मैं परमिशन ले रहा हूँ और आप सबसे विनम्र आग्रह करूँगा मोबाइल फोन साइलेंट मोड में रखिएगा तो आपको थोड़ा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सुविधा हो। धन्यवाद। एक छोटी सी उठा को लेके भगवान शंकर जी के साथ जुड़े हुए चीजों का वर्णन, जैसे ये एक चंद्र, दो कुंडल, तीन त्रिशूल और थर्ड आई एंड फोर डमडू, फाइव द स्नेक्स, सिक्स योगी, सेवन तारे एंड एट गंगा। तो नाद वंदना
चलित बंदिश पढ़ना मत, तो इसका एक जोड़ा मैं विप्लव को कहूंगा कि ओरिजिनल धारा ग्रंथ हम पढ़े और एक ही साथ साथ मैं इसका जोड़ा पढ़ूंगा। Tinta, 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 tinta,
ता की ते ता का फिर आ गए ता आ गए देख ही ता थे ता ता थे ता ता थे या थे ता ता थे ता ता थे ही ता थे ता थे ता 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 फिर आ गए ता थे ही ता थे ता थे ता 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 फिर आ गए ता थे ता थे ता थे थे ता 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 इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके तो सही चीज सही समय करना मेरे लिए सही थिंग राइट थिंग राइट नॉट अ राइट टाइम इज ऑफ पिच
माना जाता है बंगाल की कवि रायशेखर जी की पद है, उसके साथ पड़न जुड़ा हुआ है, मिश्र जाति में है। इट इज डिस्क्राइबिंग द रेनी सीजन। नगधने नगन 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 नगधने। बहुत ही सुंदर पद है ये, बंगाल की रायशेखर जी बहुत पुरानी कवि थे, उनकी पद। गगन अगघन मेघ दारुण सघन दामिनी झलकई, कुलिश पातन शब्द झन झन पवन कर तरवल गई। गगन घोर घुमंड बादर विजर चमकत दमन दमगत तरित तर तर गगन गांगुन कटकता तात विच्च गटान गिगिनन तिगिनन 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 तात विच्च गटान गिगिनन तगिनन 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 तात विच्च गटान गिगिनन तिगिनन 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 तात। Thank you.
इसी के और एक प्रीतिपरण कविता काली काली का आंधी आ रही है एक दिन की बात जब साधन गगन में घनघना घना गए जरूर सावन की घटा घूंघट में छिपका चपल चपल भी दी की छटा एक नारी एक बाहर कर सुनगा चली उस पार जहाँ की उसकी कृष्ण मुना चमक चम चम चमक चम चम चमक चम नापा जाता है काउंटिंग से तो दो दोस्त की महाराज जी का एक फेमस गिनती का कंपोजिशन पांच की कैसे दो दोस्त पास में आ रहे हैं और फिर एक साथ जा रहे हैं एक दिन जब 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 संगीत पर मैं करता हूँ ये मेरे गुरु जी परम पूज्य पंडित शंकर घोष जी 30 साल पहले बजाते थे तो आठ की गिनती है ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में वो संगीत आठ से एक और एक ही साथ में एक से आठ बस कोशिश जारी है थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन की मामला है इसका उल्टा गति है मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे रागों में आरोह अवरोह होते हैं एक एक दो एक दो तीन एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच 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 सात आगे अब एक साथ गति ठीक
झापताल में एक धा, धमाण में दो और अंत में तीन ताल में तीन। मिश्र संकीर्ण अंत में चतुश्री तिन तिन ना तिन तिन तगि 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 हर एक जाति के साथ धा कैसे आ रहा है तकते था तक तकते था तकदमी तकते था तकदमी तक तकते था फिर ना दीदी ना ना दीदी ना धा ना दीदी ना ना दीदी ना धा ना दीदी ना धा तो तीन पांच सात और नौ टोटल 24 देन 8 धा ना तिन तिन ना तिन तिन ना धा तिन तिन ना धा तक दिधा तक ना दिधा तक दिमी तक दिधा तक दिमी तक तक दिधा ना दिन ना दिन ना धा ना दिन ना दिन ना धा ना दिन ना दिन ना धा तक दिधा तक ना दिधा तक दिमी तक दिधा तक दिमी तक तक दिधा ना दिन ना दिन ना धा ना दिन ना दिन ना धा ना दिन ना दिन ना धा तक दिधा तक ना दिधा तक दिमी तक दिधा तक दिमी तक तक दिधा ना दिन ना दिन ना धा ना दिन ना दिन ना धा ना दिन ना दिन ना धा एक भक्त फूल लेके मंदिर में गए तो देखा कि तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश किसको कितना फूल दे तो बस काउंट कर लिया तीन पाँच सात नौ चौबीस फिर आठ आठ
जाति का बोल जाति तो हुआ अब वर्ण की जाति जो गौ मो तीन तीन वर्ण से जाति और है फरमाइसी जगह जगह जो जगह जगह जो जगह 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 जो जगह जम जगह जम जग 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 जो जम 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 जगह जगह जो जगह जगह जो जगह 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 जो जगह जम जग 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 जो जम 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 जगह जगह जो जगह जगह जो जगह 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 जो जगह जम जगह जम जग जग जो जम 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 जो गो मो ये कांठी महाराज जी का बंदिश है मैंने पंडित कुमार बोस जी के पास सीखा है ये जो बचते हैं उनका इफेक्ट धगत डिगत धगत ग्रहण घिगत डिगत घर धन विधान धा धन विधान धाम धाम धाधि धा धाधि नकर तक कटक थन थन कटक तिरता धिनक तिरता कटक तिरता धिनक तिरता कटक तिरता धिनक तिरता तक कटक थन थन कटक तिरता धिनक तिरता कनक
सूरदास पढ़ो। कवित के रूप से जिंदा रहा सूर शाह संगीत रच जब बाजत मृदा गत नाचत स्थापित पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट संगीत कला के आगरा द्वारा आयोजित संगीत महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पालोस्कर संगीत सम्मेलन स्वर्णिम नेनाद संगीत महोत्सव 2014 50वां सांगीतिक अनुष्ठान श्री संदीप मलिक कथक नृत्य कोलकाता आपकी समर्पित कला साधना एवं सक्रिय रचनात्मक सहयोग हेतु अभिनंदन। संगीत कला गौरव का मानद सम्मान प्रदान कर आपके सुखद स्वस्थ यशस्वी जीवन की कामना करते हैं। हमें आपकी आकांक्षी श्रीमती सुलभा तलेगांवकर संस्थापिका संरक्षिका रानी सरोज गौरिहार अध्यक्ष पंडित केशव तलेगांवकर मंत्री एवं संयोजक दिनांक 15 नवंबर 2014।